वेलकम टू रियाज किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज की मेरी रेसिपी है चॉकलेट केक, जो घर पर बहुत आसानी से बन जाता है। ये एक बेसिक केक है। इसे मैंने बिना अंडे के और बिना ही कंडेंस मिल्क के तैयार किया है और ये बनकर बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। अगर आपने मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए देखते हैं हमने यहाँ पर कौन कौन सा सामान लिया है, सामग्री ली है केक बनाने के लिए। सबसे पहले लिया है मैदा 1/4 कप, दूध लिया है आधी कटोरी, चॉकलेट पाउडर लिया है 3 चम्मच, तेल लिया है आधी कटोरी, पिसी चीनी 3/4, दही भी 3/4, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/3 बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच वेनिला एसेंस। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में दही डाल दिया है, उसके साथ ही उसमें चीनी डाल देंगे। दही को रूम टेम्परेचर का ही लिया है, ठंडा नहीं लेना है। केक बनाने के लिए दही, दूध और बटर जो भी हम लेते हैं उन सबको रूम टेम्परेचर का ही लेना है, ठंडा नहीं लेना है। अब इसमें डाल देंगे वेनिला एसेंस 1 चम्मच। वेनिला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे विस्कर की हेल्प से अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें डाल देंगे तेल, अगर आप चाहें तो रिफाइंड तेल की जगह आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदे को छानकर ही इस्तेमाल करना है केक के लिए, जो मैंने पहले ही छान लिया है। ये भी हमारे केक को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, अगर हम मैदे को छानकर इस्तेमाल करते हैं केक के लिए। अब इसमें डाल देंगे नमक 1 चुटकी जो लिया था, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। और एंड में इसमें मिलाएंगे चॉकलेट पाउडर। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन चीजों को हमें बहुत सॉफ्ट हाथों से मिक्स करना है, बहुत तेजी तेजी से नहीं मिक्स मिलाना है, बहुत आराम आराम से मिक्स करेंगे इन चीजों को हम। अभी हमारा जो ये घोल है काफी गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। एक साथ में दूध नहीं डालना है, ताकि हमारा जो बैटर है वो ज्यादा पतला ना हो जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध मिलाएंगे। पहले मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, इसी तरह करके हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे जितनी जरूरत होगी। बहुत आराम आराम से अपने हाथों से इसको मिक्स करना है, तेजी से मिक्स नहीं करना है। थोड़ा सा दूध और ऐड करना है, क्योंकि अभी बैटर जो था थोड़ा गाढ़ा था। हमें ऐसा बैटर बनाना है जो आराम से टिन में आ जाए। टिन को हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे।
अब हम इसमें डाल देंगे केक का बैटर। देखिए बैटर कितने आराम से गिर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई सिल्क का रिबन हो। सारे बैटर को हम अच्छे से फैला देंगे टिन में और अच्छे से टैप कर देंगे ताकि जो अगर इसमें कोई बबल बने हुए हैं वो इसके खत्म हो जाए। अब एक कढ़ाई में मैंने नमक लिया है 1.5 कप और अच्छे से फैलाया है। इसको 10 मिनट के लिए कढ़ाई को गर्म किया था, अब थोड़ा सा गर्म हो गया है। लो फ्लेम पे ही गर्म किया था नमक को और कढ़ाई को। अब इसमें एक प्लेट रखकर उसमें हम टिन रख देंगे केक वाला। इसे हम आधे घंटे के लिए ढककर रखेंगे पहले, आधे घंटे बाद एक बार चेक कर लेंगे, अगर ये कच्चा होगा तो इसे थोड़ी देर के लिए और रख देंगे। इसे हम बिल्कुल कम सेक पर ही पकाएंगे। आधे घंटे के बाद देखा था तो थोड़ा कच्चा था तो इसे मैंने 40 मिनट रखा था। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए इस तरह हम चाकू की सहायता से चेक कर लेंगे कि हमारा केक बन चुका है। अगर चिपकेगा तो नहीं बना, अगर नहीं चिपकेगा तो बन चुका है और हमारा केक जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम इस केक को निकालेंगे। सबसे पहले चाकू से हम साइड से अच्छे से उतार लेंगे। देखिए कितने आराम से उतर रहा है। इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और टिन को हम पलट देंगे, हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे, टैप कर देंगे और ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट केक बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारा केक एकदम सॉफ्ट स्पॉन्गी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं पास से भी कितना सॉफ्ट है। लीजिए हमारा चॉकलेट केक बनकर बिल्कुल तैयार है, बिना अंडे के, बिना कंडेंस मिल्क के और कढ़ाई में। इसे कोई भी घर पर आसानी से बना सकता है, तो जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।